प्रयतात्मना। फल होए, फूल होए, पत्र होए, भक्ति सु मुख दो, भक्ति सु वृज भक्तन ने माटी भी भक्ति सु रखी थी, तो प्रभु मट्टी भी आरोगने के लिए तैयार है। और है तो बाकी तो छप्पन भोग कुडवारा भी भक्ति सु नहीं और कॉम्पिटिशन से करें कि वाने की है तो हम भी करेंगे, तो प्रभु कोई सामग्री के भूखे नहीं है। भक्ति सु उपरोक्त होए तो मट्टी भी आरोगने प्रभु तैयार है। ये बात जो है वो सेवा में भी अपने को स्पष्ट समझना चाहिए कि अपने को प्रभु आरोगेंगे, अपन जो भी कुछ भोग धरेंगे वो प्रभु आरोगेंगे, पर आरोगने की शर्त गांव में प्रदर्शन नहीं है, गांव के साथ कंपटीशन नहीं है, गांव के बीच में एग्जीबिशन नहीं है, वाने की होकर के हमने भी करना चाहिए ये भाव नहीं है। अपनी भक्ति अपने को समझाती हो कि ये चीज अच्छी है, बस वाह भक्ति तो अपने प्रभु को धरो तो प्रभु जरूर आरोगेंगे आरोगेंगे और आरोगेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि। भक्ति के कारण मुको भोग धरे गयो वो मैं आरोगू हूँ, भूख के कारण मैं आरोगू नहीं हूँ। प्रभु को भूख नहीं लगे। हमको एक वक्त हमारे ठाकुर जी हमने बड़े मंदिर में ऐसा कायदा आयो कि बड़े मंदिर की प्रेमाइश में जो भी ठाकुर जी विराजेंगे वो पब ट्रस्ट के कहे जाएंगे। तो दादाजी के पास को लेटर साइन होने के लिए आ रहे हो तो दादाजी ने कही भाई क्या लिखे हो या मैं पब पढ़ तो उनकी दहजी हमने लिखे हो कि बड़े मंदिर में विराजते ठाकुर जी सब पब्लिक हो जाएंगे। तो दहजी ने कि अपने क्या जाए सही कर दो उनकी, पर अपने ठाकुर जी विराज रहे अपन कैसे सही करें। दहजी ने कही ये बात सच्ची कही थी, अपन अपने ठाकुर जी पधरा लें फिर सही कर दें, अपने क्या जाए अपने त्यां रहनो है नहीं। तो हमने हमारे ठाकुर जी पधरा लिए, फिर हमने सही कह दी काहे को झगड़ा करना सब सुविधा जो करना है तो करो। ट्रस्टीज ने कही कि बड़े मंदिर में हमारे ठाकुर जी बिराजते थे, ताजी महाराज के वक्त सन 40 में यहाँ किशनगढ़ से वहां पधारे थे, जोधपुर से यहाँ पधारे थे किशनगढ़, मूल हमारे ठाकुर जी वहां जोधपुर बिराजते थे और जोधपुर से फिर यहाँ किशनगढ़ पधारे और किशनगढ़ से फिर 40 के आसपास बम्बई पधारे थे। तो तब सुताजी महाराज ने उनको इतना बड़ो एक दूध को डबरा रोज धरवे को नियम से हतो और भी सामग्री आती थी, पर एक दूध को डबरा सुबह शाम इतना बड़ा आता तो कोई 250 का डबरा हुए तो ट्रस्टी ने कही कि श्याम बाबा क्या एक दूध को डबरा भी नहीं धर सकेंगे, ठाकुर जी तो पधरा लिए इतने मंदिर में। तो मैंने आपको बुलाया कि देखो ठाकुर जी की 9 लाख गाय है, मैं 250 दूध के डबरा की क्या कीमत तुम यार समझ रहे हो, 250 दूध को डबरा आयो तो कौन सा बड़ो तीर मारे तुमने, और 250 दूध को डबरा भी 9 लाख गाय के सामने इतना ही गाय के दूध के सामने उतना ही छोटा है जितना मेरा पाव भर एक कटोरी होगी दूध की, तो तुम काय को छोटा झगड़ा कर रहे हो यार विषय में कि दूध को डबरा धर सके कि नहीं। हमारे ठाकुर जी को हम डबरा धरे कि कटोरी धरे कि दूध की एक बूंद ही धरे, तुम्हारे क्या लेन देन या तुम कि हम क्या धर रहे हैं और क्या नहीं धरेंगे, हमको हमारे ठाकुर जी दूसरे को नहीं सौंपने, बात खत्म हो गई बात। तो ये बात अपने को समझनी चाहिए। तो ट्रस्टी हैं यो कह रहे थे कि ठाकुर जी को भूखे मार देंगे, ये तो एक दूध को डबरा भी नहीं दे, तो 250 के डबरा से ठाकुर जी को पेट भरे दो। ऐसी सब अपने को खुराफात जगह क्यों जगह, क्योंकि अपन यो समझे कि ठाकुर जी भूख के कारण आरोग है। ठाकुर जी एक बात समझो, भीम नहीं है ठाकुर जी, अपना वृकोदर नहीं है ठाकुर जी, तो अपना भक्त्युदर है, वृकोदर नहीं है। वृकोदर माने पेट में ऐसी अग्नि ऐसी भीम के कि जितना डालो वो सब भस्म हो गए, तो अपना ठाकुर जी वृकोदर नहीं है, अपना ठाकुर जी तो भक्त्युदर है। भक्ति तो कुछ भी अरोगा तो ठाकुर जी अरोगेंगे, बाकी तो कुछ ठाकुर जी को अरोगने की गरज ही नहीं है, क्यों अरोगे ठाकुर जी को क्या जरूरत। जो विश्व को पालनहार है वह तुम्हारे अरोगाने वह सामग्री की गरज क्या है, पर तुम भक्ति सु वाकु कुछ भी दो तो झूठो भेद भी अरोगने तैयार है चमड़ी को, भक्ति सु दियो भयो हो तो शर्त सिर्फ इतनी है तदा हम भक्ति को हृतम अटना में प्रयतात्मना। तुमने समझ लियो कि ठाकुर जी को मिठाई की मछली की माखन की मिश्री की भूख है, ठाकुर जी को कोई चीज की भूख नहीं है, ठाकुर जी को सिर्फ भक्ति भाव की भूख है। भक्ति भाव से धरो तो पानी की लोटी भी धरो तो अरोगेगो, और भक्ति भाव से नहीं धरो तो तुमने माखन मिश्री मिठाई भी रखी ना तो ठाकुर जी वहां को भूखो नहीं है। ये बात अपने को साफ तौर पर समझनी चाहिए,
ये लीला ये भाव ठाकुर जी को भोग धरते वक्त अपने को कब जगेगो, जब अपना ठाकुर जी के प्रति भक्ति भाव दृढ़ होएगो। जब अपना ठाकुर जी के प्रति भक्ति भाव दृढ़ होएगो तब अपनी भोग सामग्री के प्रति ठाकुर जी को भी आरोगने की इच्छा होगी। बिल्कुल वाही ढंग से जैसे पद्मनाभ दास के 16 आरोगने की ठाकुर जी को इच्छा हुई, और जब वक्त गिरधर जी ने 56 भोग धरियो वह वक्त ठाकुर जी मथुराधीश जी के मुखारविंद पर वो प्रसन्नता नहीं झलकी, और गिरधर जी ने विनती करी कि आपके मुखारविंद पर वो प्रसन्नता नहीं झलक रही है, कारण क्या? तो मथुराधीश जी ने आज्ञा करी के पद्मनाभ दास के 16 किया जा रही। तो आज की तारीख तक 16 धरे जाए मथुराधीश को पद्मनाभ दास जी के भाव को। तो यह बात को ध्यान समझो कि ठाकुर जी भक्ति को भूखो है, ठाकुर जी सामग्री को भूखो नहीं है। अपन ने गलती तो ऐसे समझ लियो कि ठाकुर जी सामग्री को भूखो है करके अपन भिखारी वेड़ा कर करके गांव से मांगे कि लाओ ये सामग्री ठाकुर जी को धरनी है, लाओ वो सामग्री धरनी है। तुम अपने दिल से भक्ति की भीख मांगो कि अपने तुम्हारी भक्ति से तुम ठाकुर जी को क्या धर रहे हो, वो ठाकुर जी को भा रहे हो है। गांव से भीख मांग के जो तुमने ठाकुर जी को धरियो वो ठाकुर जी को नहीं भावे है, नहीं भावे, नहीं भावे, इतने नहीं, वो ठाकुर जी आरोग्य नहीं है, बिल्कुल नहीं आरोग्य है। ठाकुर जी के सामने धरियो भयो हो तो अभी वो अनप्रसादी ही है, अनप्रसादी ही है, असमर्पित ही है। यह बात को दृढ़ता से समझो। पर यह बात समझ में कब आएगी? जब तुम्हारा भाव ठाकुर जी के प्रति भक्ति को होएगो, जब तुम्हारा भाव ठाकुर जी के प्रति प्रतिस्पर्धा को नहीं होएगो सेवा की, जब तुम्हारा और ठाकुर जी के सेवा को भाव प्रदर्शन को नहीं होएगो, गांव को दिखाने को नहीं होएगो, तब ये भाव तुम्हारे में प्रकट होएगो कि मेरे ठाकुर जी मेरी भक्ति से धरी भई चीज को पसंद है, शौकीन है, और वो तुम धराओगे तो आपको मजा आ रही है, बाकी सामग्री के स्वादन की मजा ठाकुर जी को नहीं आवे। ये बात समझने के लिए तुम्हारे दिल में भक्ति होगी आवश्यक है, तुम्हारे पॉकेट में पैसा की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे हृदय में भक्ति की आवश्यकता है, तुम्हारे पॉकेट में पैसा की आवश्यकता नहीं है। तो वो ठाकुर जी आरोग्य है ये तथ्य को समझने के लिए हृदय में भक्ति तो भरपूर करो, पॉकेट भले खाली होगी तो चलेगो। ये बात लालू भट्ट जी यहाँ समझा रहे हैं कि तदा हम भक्त्युपहृतम अष्टनामी पर प्रयतात्मना, क्योंकि प्रभु को भूख लगे नहीं है, प्रभु को भाव पसंद आवे है, प्रभु को भाव पसंद आवे है करके जो भी कुछ भाव से तो मट्टी भी धर दोगे ना तो प्रभु अरोगने तैयार है, पानी की लोटी धर दोगे तो अरोगने तैयार है। और जब प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा से तुमने 56 भोग भी धरे तो ठाकुर जी को भूख नहीं है, इतने तो नहीं, ठाकुर जी को पसंद नहीं है। ये बात तुम दृढ़ता से समझो। मैं समझू कि यह प्रसंग को अपन यहां रखें और कल यह प्रसंग को अपन और चलाएंगे, सेवा और लीला की अनुरूपता पर असर कैसे। अभी परसों यदि मेरा जाना भयो तो कल को तो अपने दिन हाथ में है, तो जहां तक थोड़ो कल जल्दी आ जाओ तो और थोड़ो जल्दी थोड़ो और प्रसंग चला लेंगे, और या फिर कल थोड़ी देर और बैठ जाओगे तो थोड़ा और चला लेंगे। तो जैसे भी होगा कोशिश करेंगे पूरे या प्रकरण को लीला और सेवा की परस्पर अनुरूपता को। दृढ़ेन चरणं येरो हरो दृढ़ेन चरणं येरो शिवल्लभ नखचंद्र शटाबेन सब जग माज अंधेरो हरो साधन और नहीं या कली में या तो सुर कहा कहे विविध आंध्रो बिना मोल को Allah Allah